हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे ऑन द किस पे बेस्ड है वो बेसिकली डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। हम लोग डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व किसी पर्टिकुलर डेटा से कैसे बनाते हैं। हमें पता ही है कि डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्यों यूज होता है। बेसिकली टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ रेनफॉल विल ऑकर इन एन एरिया बाई कन्वर्टिंग द पॉइंट रेनफॉल टू एरियल रेनफॉल डेटा। जितना भी हमारा एरिया है वहां का एरियल रेनफॉल के डेटा को हम लोग पॉइंट रेनफॉल के डेटा को हम लोग जनरली एरियल रेनफॉल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व यूज करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेसिकली दैट इज ड्रॉ द डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व दैट मे बी एक्सपेक्टेड ओवर एन एरिया ऑफ 2400 किलोमीटर स्क्वायर ड्यू टू द स्टॉर्म ऑफ 21st December 1987 लास्टिंग फॉर 12 hours, assuming that the storm center is to be located at the center of area, isoheights of that storms and the area enclosed between different isoheights are as follow. यहाँ पर हमें isoheights की value दी हुई है and जो कि mm में होती है, और area enclosed between those isoheights lines के बीच में हमें area की value दी हुई है। हमारे पास isoheights और basically area दिया हुआ है। तो isoheights generally हमारा maximum value that is 20 to 22 एंड मिनिमम हमारा वैल्यू है दैट इज 11 to 13। हमारे पास यहाँ पर एरिया जो भी किलोमीटर स्क्वायर में है बेसिकली एक्सटेंड 573 से लेकर हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है 3915 तक। तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है वैल्यूज, दैट इज यहाँ पर हमारे पास एरिया इनक्लोज्ड इन किलोमीटर दिया हुआ है। और हमें बेसिकली अब हम लोग डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व को कैसे बनाते हैं जनरली, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे आइसोहाइट्स की वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पर। देन वी जनरली हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल हम लोग वहां से निकाल लेंगे, दैट इज आइसोहाइट्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर रेंज दी हुई है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ द रेनफॉल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली एरिया कितना इनक्लोज्ड है किलोमीटर के हिसाब से बेसिकली, और दैट इज क्यूमुलेटिव एरिया। हम लोग यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक टेबल एरिया का बना सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि हमारे लिए हम वहां से क्यूमुलेटिव एरिया निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव एरिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला जो भी होता है हमारे पास यहाँ पर हमारा 543 बेसिकली दिया हुआ है एरिया इनक्लोज, तो वो क्यूमुलेटिव में ही आ गया है। टोटल वैल्यूज हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज नेट एरिया बिटवीन दैट आइसोहाइट्स, उन आइसोहाइट्स के बीच में जो भी नेट एरिया आ रहा है हमारा, तो नेट एरिया बेसिकली क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा। सबसे पहला हमारा वही आ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू को हम लोग हटाएंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर नेट एरिया इन दोनों के बीच में नेट एरिया आता जाएगा। हम लोग सारी वैल्यूज को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, उनके बीच में जो भी एरिया आता है दैट इज नेट एरिया ऑफ आइसोहाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नेट एरिया ऑफ द आइसोहाइट्स दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर रेनफॉल, कितना वॉल्यूम वहां पर उस एरिया में हमारा रेनफॉल आ रहा है दैट इज एरियल, हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर तो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलम है बेसिकली दैट इज क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स के लिए, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा वैसा का वैसे ही आ जाएगा, सेकंड हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे, हम लोग फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा, तो इन तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा, दैट इज हम यही प्रोसीजर को अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा बेसिकली हमारा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, दैट इज एवरेज डेप्थ। एवरेज डेप्थ में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पर कॉलम नंबर जो कॉलम नंबर 6 है बेसिकली उसको डिवाइड करेंगे हम लोग कॉलम नंबर 3 से, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव एरिया से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, एवरेज डेप्थ आ जाएगा। एवरेज डेप्थ बेसिकली हमारा किस में आएगा, दैट इज इन mm। यहाँ पर हम लोग वी नो दैट हम लोग जब डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं तो इट इज बेसिकली इन बिटवीन ऑफ क्यूमुलेटिव एरिया के बीच में एंड एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो कि हमने mm में निकाली हुई है। क्यूमुलेटिव एरिया हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके बीच में यदि हम देखते हैं तो वी नो दैट कि हमारा जो भी डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व हमारा जो भी आता है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, दैट इज 20, क्योंकि हमारा यहाँ पर आइसोहाइट्स की वैल्यू चेंज होती जाती है। यहाँ पर आइसोहाइट्स की वैल्यू चेंज होगी बेसिकली तो हम लोग उसकी वैल्यू जनरली कम आती है। यदि हम देखें दैट इज 20.4 ऐसी हम लोग की वैल्यू धीरे धीरे 18.22 तक डिक्रीज होती गई है,
और हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे जनरली यहाँ पर जब मेन स्टार्टिंग हमारा क्यूमुलेटिव एरिया ज्यादा हुआ तो यहाँ पर हमारा मेन क्यूमुलेटिव है, तो बेसिकली ग्राफ हमारा किस टाइप से जनरेट होगा, हमारा ग्राफ इस टाइप से जनरेट होगा। तो ये बेसिकली हमारा एक स्टेप है कि हम लोग डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व को कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास आइसो हाइट्स डेटा दिया हुआ है, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल, हम निकाल सकते हैं वहां से, या तो क्यूमुलेटिव दो आइसो हाइट्स के बीच में एरिया यदि दिया हुआ है दैट इज क्यूमुलेटिव एरिया, एंड यदि वो आइसो हाइट्स की हमारे पास रेंज दी हुई है तो हम लोग उससे इजिली डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व को निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व और हाउ टू ड्रॉ अ डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। थैंक यू वेरी मच।